तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ सर्दियों के इसलिए बहुत ही मज़ेदार सूप, और उसके साथ ऊपर से रहेंगे क्रिस्पी नूडल। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों बने रहिए प्लीज़ आखिरी तक। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया एक पत्ता पालक का, और थोड़ी सी पत्ता गोभी, एक छोटा सा फूल गोभी, गाजर, मशरूम और एक छोटा छोटा अदरक का। तो नॉर्मली ये वेजिटेबल कहीं भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल वेजिटेबल लिए। तो आपको इनको बारीक चॉप कर लेना है, छोटे छोटे एकदम चॉप काट लेने आपने सारे वेजिटेबल दोस्तों ऐसे। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी सारी वेजिटेबल को चॉप कर लेना है दोस्तों। तो अब हम सूप बना लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, मतलब हाफ टेबल स्पून से भी मैंने बहुत कम ऑयल डाला है। और एक चम्मच मैंने इसमें डाला है चॉप वाला लहसुन, चॉप गार्लिक एक चम्मच। इसको हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों, हल्का सा इसका ब्राउनिश कलर हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो आपको जितना भी सूप बनाना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बना रहा हूँ दो पोर्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसी हिसाब से पानी ले रहा हूँ। ये आया हमारा नमक स्वाद के अनुसार, ये मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ शुगर, बिकॉज थोड़ा सा डाला ब्लैक पेपर, शुगर बैलेंस करता है टेस्ट को। और ये आया हमारा वेजिटेबल सीजनिंग पाउडर दोस्तों, थोड़ा सा सोया सॉस डाल रहा हूँ मैं। अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ डार्क सोया सॉस, वो हमने सिर्फ कलर के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है दोस्तों थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है स्पाइसी के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स हमको आप ऐड कर देंगे इसमें। तो यार दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक लाइक तो यार वीडियो को बनता है ना, तो सर्दी के लिए बहुत ही प्यारा सूप है, या मज़ा आने वाला आपको, तो एक लाइक तो ज़रूर करना है वीडियो को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा विनीगर। रेड चिल्ली पाउडर मैं इसलिए डाल रहा हूँ, नॉर्मली इसके अंदर चिल्ली पेस्ट डालते नॉर्मली घर में अवेलेबल नहीं होता चिल्ली पेस्ट हमेशा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उससे कलर क्या होगा रेडिश होगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ पोटैटो स्टार्च थिक करने के लिए, आपको जितना गाढ़ा चाहिए उतना पटर उस्टार डाल सकते हैं इसमें, कॉर्नफ्लावर हो, अरारोट होता है ना, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं थिकनेस के लिए। बट पटर उस्टार क्या होता है, थोड़ा सा रिचनेस आती है उससे और थोड़ा शाइनिंग आती है। तो यहाँ मैंने डाला ये हरा धनिया दोस्तों। यहाँ पर हमारा फाइनली सूप हो चुका है दोस्तों रेडी। तो इसके साथ लास्ट में इसकी गार्निश में फ्राई नूडल खाते हैं दोस्तों। चिल्ली विनेगर ऑप्शनल आपको चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा मनचाऊ सूप हो चुका है रेडी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ज़रूर करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा के रखना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय।